हरकुलिस। चलो धूप घड़ी को प्राचीन ग्रीस की सदी में घुमा दें, जब लोग जादुई दंत कथाओं में विश्वास रखते थे जो समझाते थे कि प्रकृति किस तरह काम करती थी। कुछ असाधारण मर्द और औरतें थी जिनमें जादुई शक्तियाँ थी, उन्हें ओलंपियंस कहा जाता था। ओलंपियंस के पास जबरदस्त शक्ति थी और उन्हें गुणी जीवों में से एक माना जाता था। कुछ समुद्र को नियंत्रित कर सकते थे, कुछ बिजली को, और कुछ रूप बदल सकते थे। हर कोई उड़ सकता था। इसके अलावा ओलंपियंस अपनी समझदारी और गुस्सैल स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। प्राचीन ग्रीस में ज्यूस सबसे मशहूर इंसान माना जाता था, जो सभी ओलंपियंस का राजा था और उसका सिंहासन पर्वत ओलंपस के ऊपर था, जो बिजली चलाता था और मौसम को नियंत्रित करता था। वो चुटकी बजाते ही बारिश और बर्फ गिरा सकता था। ज्यूस की शादी रानी हेरा से हुई थी। उनका एरिस नाम का एक लड़का था। एरिस लंबा और सुंदर था, उसके बाल घने थे और वो एक काबिल योद्धा था। एरिस में कोई कमी नहीं थी। शाही परिवार में एक चौथा सदस्य भी था, उसका नाम था हरकुलिस। हरकुलिस अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहता था। हरकुलिस बहुत शक्तिशाली, बहादुर और अच्छा सेनापति था। उसके कारनामों से गाँव वाले खुश थे, क्योंकि वो आधा ओलंपियन और आधा आम इंसान था। वो एक नायक था, एक सूरमा जिसका बड़ा दिल और जिसकी बाजुओं में दम था। शाही परिवार हरकुलिस के साथ अच्छे से पेश नहीं आता था। उसके साथ हमेशा गैरों की तरह व्यवहार होता। एक बार शाही दावत पर, माँ क्या आप मुझे सलाद पास करोगी? माँ क्या आप मुझे सलाद पास करेंगी? तुम 12 बार खा चुके हो हक, अब क्या एक और दर्जन खाओगे? ओ एरिस, तुम इस तरह अपने भाई से बात नहीं कर सकते, अच्छे से रहो। सतेला भाई, मुझे इस बारे में तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? सुधर जाओ एरिस। वैसे ज्यूस, इसका इल्जाम भी तुम हमारे बेटे पर ही डालोगे क्या? हरकुलिस को शाही मेज पर बैठने का कोई हक नहीं है। हेरा, वो यहीं पर है, इतनी बुरी मत बनो। कोई नहीं पिताजी, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। माफ करना माँ, मैं एरिस और आपको परेशान नहीं करना चाहता था। असल में ग्रीक सलाद इतना स्वादिष्ट था, पेट भर गया था पर मन नहीं, तो मैं चलता हूँ। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इन लोगों के लिए हमेशा एक गैर ही रहूंगा। हरकुलिस को सबसे इतना प्यार मिलने के बाद भी उसके अपने ही उसे धिक्कार रहे थे। वो बिस्तर पर लेटा रहा, अकेला और तन्हा, रात भर जागता रहा। जब भी वो उदास होता, वो जिम जाता, जो कि अक्सर होता था। ज्यूस जल्दी ही रिटायर होने वाला था और एक समय आएगा जब ग्रीस को अपना अगला राजा चुनना पड़ेगा। हेरा हरकुलिस से नफरत करती थी। उसे सोचकर भी घिन आती थी कि हरकुलिस राजा बन सकता है। एक शाम हरकुलिस ने बगीचे में कुछ बच्चों और जानवरों को एक साथ देखा। वो हंस रहे थे। ये संतरे बहुत स्वादिष्ट है, शुक्रिया मैग। क्या मुझे एक और मिलेगा प्लीज? संतरों में कौन सा विटामिन होता है? सी। एक और बच्चे से भी रहा नहीं गया और उसने भी एक और मांगा। मैग, मुझे भी एक और चाहिए, दो ना। अगर तुम बच्चे मुझसे वादा करते हो कि सोने से पहले हम ब्रश जरूर करेंगे। ये। मेगारा के पास जो भी फल थे उसने सारे बच्चों को दे दिए। बच्चों को आम और संतरे खाकर बहुत मजा आया। मेगारा उसके सामने खड़ी थी। हरकुलिस चौंक गया। वो भारी से भारी चीज उठा सकता था, पर अब उसके पांव थरथरा रहे थे। शुक्रिया, तुम हरकुलिस हो है ना? हाँ, तुम्हें कैसे तुम्हारा क्या नाम है? अब वैसे मैं भी दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, पता है? तुम्हें कौन नहीं जानता मेरे दोस्त, पूरे ग्रीस में तुम्हारे जितना मशहूर कोई भी नहीं है। ओह, मैं मेगारा हूँ, प्यार से लोग मुझे मैग कहते हैं, हीरो, मेरा मतलब हर्क। मेगारा। कितना प्यारा नाम है। मैग, क्या मैं तुम्हें मैग बुला सकता हूँ? तुमने अभी अभी तो बुलाया, खाओगे? दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ महसूस हुआ। मेगारा हरकुलिस को छेड़ने लगी और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को अलग अलग नाम से बुलाने लगे। उस रात हरकुलिस सो नहीं पाया।
मैगारा के बारे में सोचकर वो बेचैन हो रहा था। अगले दिन वो मैगारा से बगीचे में मिला और उसने उसे लकड़ी का यूनिकॉर्न दिया। उस दिन के बाद से हरक्यूलिस और मैगारा एक हो चुके थे। हरक्यूलिस के दिल का खालीपन भर गया था। वो और भी कलात्मक हो गया था और अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। हेरा को इस नए बदलाव का पता चला। उसे गुस्सा आया और जलन महसूस हुई। उन प्रेमियों के बारे में जानते हैं? आपका लाडला ग्रीस की सड़कों पर एक आम लड़की के हाथ में हाथ डालकर घूम रहा है। हद हो गई। कौन कौन कौन? ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? नहीं, मैं हूँ बलवान ज्यूस। तो क्या हुआ, प्यार अंधा होता है? प्यार अंधा हो सकता है ज्यूस, पर मैं नहीं। हरक्यूलिस से पंजा लड़ाने में हार जाने पर एरिस मुंह लटकाकर अंदर धमक पड़ा और अपनी माँ के पास आकर रोने लगा। माँ, हरक्यूलिस तो पिछले दो हफ्ते से एक बार भी जिम नहीं गया है, फिर भी उसने मुझे एक मिनट के अंदर हरा दिया। वो इतना ज्यादा खाना खाकर तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? उसकी कोई कमजोरी ही नहीं है माँ। ओह, कमजोरी? एक कमजोरी तो है उसकी, वो मेगारा है। अपने भाई राजा यूरिस्थस को बुलाओ और आज रात उसे मेरे कमरे में लेकर आओ। हेरा राजा यूरिस्थस और एरिस से गुप्त कमरे में मिली और रात में मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। मैगारा हरक्यूलिस से मिली। उसे जरा भी पता नहीं चला कि ये दरअसल बहरूपिया राजा यूरिस्थस है। इस बीच जिम खत्म करने के बाद हरक्यूलिस शाम को मैगारा से मिलने के लिए बेचैन था। हरक्यूलिस, मेरे भाई, मैं हार मानता हूँ। तुम कैसे करते हो? तुम कमाल हो। मुझे अपना राज बताओगे? हाँ, आज नहीं एरिस, ठीक है, मुझे जाना है। ठीक है फिर, उस राज को सिर्फ परिवार के बीच ही रखना, है ना? इस बीच बहरूपिया हरक्यूलिस मैगारा को जंगल में लेकर गया। मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाना चाहता हूँ, बस मेरे साथ साथ यूं ही चलती रहो मैग। आज तुम थोड़ा अलग लग रहे हो हर्क। ओह, बस थोड़े अलग बाल बनाए हैं बस। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी लग रही है। इससे पहले कि मैगारा पता लगाती कि क्या गड़बड़ है, बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता था। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, समझे? तुम बेवकूफ बन गई और मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगा, मामूली इंसान। ओह, तुम तो एक धोखेबाज हो। हरक्यूलिस तुम्हें कभी भी जीतने नहीं देगा। बिल्कुल गलत। हरक्यूलिस ग्रीस की एक लौती रानी हेरा के आगे अपने घुटने टेकेगा। इस बीच मैगारा, कहाँ हो तुम? मैग, तुम कहाँ हो? यहाँ हरक्यूलिस कई घंटों से मैगारा को बगीचे में ढूंढ रहा था। अरे हर, क्या हुआ? वो कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? हाँ देखा है, कुछ घंटे पहले तुम्हारे साथ थी। तुम पूर्व की तरफ जा रहे थे। क्या ये नहीं हो सकता? मैं तो कल से मैग को मिला ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पुकारा भी, पर लगा कि तुम दोनों बहुत जल्दी में थे। हरक्यूलिस समझ गया कि क्या हुआ होगा। वो राजा यूरिस्थस के महल में पहुंचा। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे प्यारे हरक्यूलिस? मैंने सुना है कि तुम बलवान हो, साबित करो। मैं तुम्हें तीन कार्य दूंगा जो तुम्हें पूरे करने होंगे, और अगर तुम जीते तो तुम अपनी प्रेमिका को ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम जीते तो लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। मैं ज़ूस का बेटा हरक्यूलिस हूँ। मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, मैं हमेशा जीतता ही हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या, यहाँ का हीरो मैं हूँ। यूरिस्थस ने उसे कार्य सौंपा कि वो नीमन शेर को पकड़े, एक जानवर जिसकी खाल बहुत मजबूत थी और दहाड़ ऐसी के गांव वाले कांप उठते। हरक्यूलिस को एक चाल याद आई जो उसने एक शिकारी से सीखी थी।
उसने कहा था कि अगर वो एक शेर का मुंह खोल सके तो वो अपने हाथों से उसके साथ लड़ सकता है। उसने शेर को बुरा भला कहा। हाँ, मेरे पास नन्हे बिल्ले कहेंगे, बस इतना ही दम है। अचानक उसकी विशाल मांसपेशियां सिकुड़ गई, उसके पंजे अंदर चले गए और दांत छोटे हो गए। कुछ ही पल में नीलम शेर एक छोटा निहत्था बच्चा बन गया। हरकुलिस ने उसे उठाया और उसे यूरिस्थस के पास ले गया। उसका पहला कार्य पूरा हुआ। आधे मामूली इंसान के लिए तो बुरा नहीं। मेरे पास तुम्हारी झूठी तारीफ के लिए वक्त नहीं है, आगे बताओ। जाओ पर्वत एरिमांथोस पर जाओ, एक जंगली बोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हरकुलिस को एरिमेंथियन बोर को पकड़ना था, एक खतरनाक जानवर जो पर्वत एरिमांथस की घाटियों में भटकता था। बोर जंगली हो गया था और आपे से बाहर था। इसके बावजूद हरकुलिस ने मजबूत लताओं से एक जाल बनाया और पीछे झाड़ियों में छुप गया। बोर के आने के इंतजार में बोर फंस गया और वो जाल से निकलने की कोशिश करने लगा। हरकुलिस उस जानवर पर हावी हो गया। उसने अच्छे से उसे बांधा और उसे राजा यूरिस्थस के पास ले गया। दो हो गए, एक बाकी है। यूरिस्थस हैरान रह गया कि हरकुलिस सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर रहा था। उसने फैसला किया कि वो उसे अमेजोनियन सेना से कमरबंद लाने के लिए कहेगा। हरकुलिस ने दो दिन तक कूच किया। पहुंचने पर उसने अमेजोन की रानी हिपोलिटा से मिलने की मांग की। एक महान नायक के रूप में हिपोलिटा हरकुलिस की प्रतिष्ठा से काफी प्रभावित हुई। वो एक शर्त पर कमरबंद देने को राजी हुई कि अगर वो उनसे और उनके योद्धाओं से लड़ाई में जीत जाए। हरकुलिस तुरंत मान गया। हरकुलिस, तुम वापस हमला क्यों नहीं कर रहे? फिर भी तुम हमारे हर हमले से सटीकता से निपट रहे हो। हे महान रानी, मैं आपके हुनर और सेना की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं एक औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। ये मेरे उसूल के खिलाफ है, मुझे माफ कीजिए। ये बात हिपोलिटा के दिल को छू गई और उसने सेना को हथियार गिराने का आदेश दिया। सब हरकुलिस की शिष्टता से बहुत प्रभावित हुए। हरकुलिस सोने का कमरबंद लेकर वापस यूरिस्थस के पास पहुंचा। असंभव, तुम जीत गए, तुम उसे ले जा सकते हो। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मामूली इंसान। ओ हर्क, मेरे हीरो, मुझे पता था तुम जीतोगे। ओह मेगारा, मेरा प्यार सच्चा है, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं जानवरों से लड़ा, उन्हें काबू किया, लेकिन तुम साथ होती हो तो एक बच्चा बन जाता हूँ। तुम्हारा साफ दिल मुझे रास्ता दिखाता है, अगर तुम साथ हो ये भटकता नहीं। मिलकर राज करेंगे, जोड़ी हमारी कमाल की है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है। ओ मेगारा, ये दिल है बस तुम्हारा, हमेशा हमेशा के लिए मेरी जान। ओ हर्क, ये कितना सुंदर था। चलो घर चलें मैग, चलो चलें।